मौत हो गई। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। उसके हाथों में लखन की टांगे होती है जिसे देख कर रहमान घबरा जाता है। कौन कौन हो तुम? मैं तेरे इन सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती। अभी तो मुझे अपनी भूख की चिंता है। ऐसा कहकर चुड़ैल रहमान को भी मार देती है और उसका सिर खा जाती है। एक बार एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। वो आए दिन टीवी पर हीरो हीरोइनों की नई नई जगह घूमने के प्रोग्राम देखता रहता था। एक दिन वो अपने भाई सुरेश के साथ बैठा होता है। अरे यार सुरेश, मैं तो अपनी लाइफ से बोर हो गया हूँ। रोज वही झंडू की तरह उठो, फिर वही रोज रोज के काम। ये टीवी वालों के मजे हैं, रोज नई नई जगह घूमते रहते हैं। कल ही मैंने रेगिस्तान में कैंपिंग करने वाला प्रोग्राम देखा था। क्या मस्त प्रोग्राम था। मेरा तो मन किया कि टीवी के अंदर से वहाँ पहुँच जाऊँ और मजे करूँ। तो सही रहे हो भैया, लेकिन अपने हिटलर बापू को देखा है? पॉकेट मनी की गिन गिन कर देते हैं। घूमने के लिए पैसा क्या खाक देंगे? घूमने के तो सपने छोड़ ही दो और काम पर चलो चुपचाप, नहीं तो रात में घर के बाहर ही घूमना पड़ेगा। भाई कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया है कि रेगिस्तान में कैंपिंग करनी है तो करनी है, चाहे पिताजी से डांट खा कर ही जाना पड़े। मैंने तो पैसे भी जोड़ रखे हैं हम दोनों के लिए, एक दिन निकल पड़ेंगे चुपके से। फिर वो दोनों योजना के अनुसार अपने दो दोस्तों लखन और रहमान के साथ रेगिस्तान में कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों रहमान की कार में जा रहे होते हैं और रहमान कार चला रहा होता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे मोड़ आया, अतल अत छोड़ आया। तभी रोहित भी खुशी से गाना गाने लग जाता है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, लेकिन हमारी मंजिल है रेगिस्तान में। इस तरह वो गाना गाते और हंसी खुशी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान देखकर चारों दंग रह जाते हैं। वाह मेरे हुकुम के इक्के, क्या मस्त जगह लाया है, मजा ही आ गया। तेरे को तो मैं कथा समझता था, लेकिन तू तो बहुत होशियार निकला, मजा आ गया। ऐसा कहकर वो चारों हंसते हुए एक टेंट बना लेते हैं और आग जला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सोने के लिए टेंट के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई आवाज़ दे रहा होता है। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो, चले जाओ, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, चले जाओ। अरे भाई लोगों, तुमने किसी के चलने और बोलने की आवाज़ें सुनी? सही है, हम ही मिले सुबह से, चल चुपचाप सो जा। आवाज़ें सुनी? कोई नहीं है भाई, कान बज रहे हैं तेरे। इसके बाद वो चारों हंसते हुए फिर से लेट जाते हैं, लेकिन लखन को नींद नहीं आती। वो टेंट से बाहर निकलता है और एक टॉर्च लेकर बाहर आता है। उसके सामने एक औरत पीट करके बैठी होती है। उसके बड़े लंबे और काले बाल होते हैं जो कि जमीन में फैले होते हैं। लखन उसे आवाज मारता है। कौन कौन हो तुम और यहाँ हमारे टेंट के पास क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत अपना मुंह घुमाती है और हंसने लग जाती है। उसका मुंह बहुत ही डरावना होता है। लखन बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल लखन की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसका सिर अपने हाथ में पकड़ लेती है और खाने लग जाती है। स्वागत है हमारे रेगिस्तान में। मजा आ गया किसी शहरी का मांस खा करके। अभी 3 और बचे हैं। उधर रात में लखन को अपने पास ना पाकर रोहित उठ जाता है और बाकी के दोनों सुरेश और रहमान को भी उठाता है। अरे उठो दोनों, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, लखन गायब है टेंट से। अरे गया होगा कहीं कहीं, सो जा यार। क्या बात कर रहा है रहमान भाई, वो अकेले में जाकर सुसु नहीं कर सकता है और तू कह रहा है यहीं कहीं होगा, चल बाहर चलकर देखते हैं। सुरेश की बात सुनकर तीनों टैंक से बाहर निकलते हैं और लखन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लखन कहीं नहीं मिलता। तभी रोहित बोलता है, यार ऐसे तो लखन नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया है, क्यों ना हम तीनों अलग अलग हो जाए और फिर लखन को ढूंढे, ऐसा करने से वो जल्दी मिल जाएगा। चुड़ैल ऊपर उड़कर उनकी बातें सुन रही होती है। अलग होना चाहते हो? जाओ, वैसे भी तुम सब बहुत जल्दी अलग ही होने वाले हो। फिर वो तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं और लखन को ढूंढ। ये नास मिटा लखन मिल जाए, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, इतना घुमा रहा है रात में, हद हो गई।
तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। उसके हाथों में लखन की टांगे होती है जिसे देखकर रहमान घबरा जाता है। कौन कौन हो तुम? मैं तेरे इन सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती। अभी तो मुझे अपनी भूख की चिंता है। ऐसा कहकर चुड़ैल रहमान को भी मार देती है और उसका सिर खा जाती है। उधर रोहित और सुरेश लखन को काफी ढूंढते हैं और ना मिलने पर दोनों वापस टेंट के पास आ जाते हैं। भाई तुझे मिला क्या लखन? अरे कमबख्त, क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है यार। मिला होता तो लेके ना आता साथ में। पहले तो एक हो गया था, अब दो को ढूंढो। ये रहमान भी गायब है। मुझे तो लगता है हो ना हो ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तू भी ना, लगता है तू ज्यादा ही परेशान हो गया। चल ना चिल मारते हैं, अपने आप ही आ जाएंगे जहाँ कहीं भी होंगे। उसके बाद दोनों टेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों टेंट के अंदर घुसते हैं वहाँ चुड़ैल बैठी होती है। आओ मेरे दोनों प्यारों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे दोनों साथियों का मांस खा करके तो मजा आ गया। मांस खा करके मतलब क्या है? क्या किया तुमने हमारे दोस्तों के साथ? और कौन हो तुम? मैं इस रेगिस्तान की रानी हूँ। तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है। अब तो तुम मर के ही इस रेगिस्तान से बाहर जा पाओगे। रोहित और सुरेश टेंट से निकलकर भागने लगते हैं। भाग ले भाई, जान बचाकर, वरना ये चुड़ैल तो इस रेगिस्तान में ही अपनी समाधि बना देगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कह रहे हो भैया, ये चुड़ैल तो हमारे पीछे आ गई। भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में से कोई आज तक जिंदा नहीं गया है। रोहित और सुरेश को तभी एक झोपड़ी दिखती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी होती है। वो दोनों उसके पास भागते हुए पहुँच जाते हैं। बचाओ बचाओ अम्मा, अम्मा, अम्मा बचाओ, हमें हमें बचाओ अम्मा, हमारी जान खतरे में है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को कहाँ भाग रहे हो? अम्मा वो रेगिस्तान वाली चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। वो हमारे दो दोस्तों को भी मार कर खा गई है। अब वो हमें भी मार डालेगी। हमें बचाओ, हमें बचाओ। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सुरेश और रोहित झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया तू रुकेगी मुझे? चल इन दोनों को मेरे हवाले कर दे। तू चली जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। याद है ना जैसे तेरी दूसरी सहेलियों को कैसे भस्म किया था? बुढ़िया के ऐसे कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार है तो ये बुढ़िया, लेकिन क्या पावर है, चुड़ैल को एक बार में ही भगा दिया। तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है और उन दोनों को आराम करने के लिए कहकर वापस बाहर चली जाती है। सुरेश और रोहित भी वहाँ लेट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाजें आती हैं और वो दोनों बाहर जाते हैं। चुड़ैल बुढ़िया से डर रही होती है। तेरे से एक काम भी नहीं होता ठीक से, पता है ना इस घर के आगे से हमारी शक्ति नहीं है। जो भी हमारा घर पार कर लेगा उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज मैं ना होती तो ये दोनों शिकार हाथ से निकल जाते। भाई अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं, ये चुड़ैलें हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करें? भाई मैं तो कहता हूँ बाहर चलते हैं और कोशिश करते हैं, मरना तो है ही। ऐसा कहकर सुरेश और रोहित बाहर आ जाते हैं। बुढ़िया उन्हें देखकर हंसने लगती है। तो तुम दोनों को हमारी असलियत का पता चल गया। चलो अच्छा है, चैन की मौत मरोगे। सुरेश और रोहित उन दोनों को बातों में लगाकर उनके घर की बाउंड्री के बाहर जा रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल को भनक लग जाती है और वो सुरेश की तरफ लपकती है। लेकिन तभी सुरेश रोहित को जोर से धक्का देता है। रोहित खतरे की सीमा से बाहर दूर जाकर गिरता है। चुड़ैलो मेरे भाई को तो मैंने बचा ही लिया, अब तुम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया, मेरा शिकार निकाल दिया। तू भाग जा भाई, माँ और हमारे हिटलर बापू का ध्यान रखिए और आगे से कभी माँ बाप को बताए बिना या पूछे बिना कहीं बचाना भाई, तू भाग जा भाग जा। और फिर चुड़ैल सुरेश को मार देती है और रोहित रोता हुआ अपने घर चला जाता है और माँ पिताजी से माफी मांगता है।